श्री संगीता चंदा जी, मेरी बहन, अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश चौधरी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रजावत जी, महासचिव जी मिस्टर त्रिपाठी जी और यहाँ उपस्थित बार एसोसिएशन के अन्य प्रतिनिधिगण तथा अन्य सभी सम्मानित बार के सदस्यगण, देवियों एवं सज्जनों, और इस सभा कक्ष में उपस्थित आज इस देश की आधी आबादी, जिसके सम्मान में आज ये उत्सव आयोजित किया गया है, तथा शेष बची आधी आबादी जिसमें हमारे पुरुष अधिवक्तागण आते हैं, सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत बधाई इस उत्सव पर, या यूं कहूँ नारीत्व के इस जो आयोजन को, के उत्सव को मनाने के लिए जो आयोजन किया गया है, उसके लिए उसके आयोजक गण को बहुत बहुत दिल से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, सभी को बहुत बहुत बधाई। ये दिन कैसे मनाया गया, कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, क्यों होती है, क्योंकि जेंडर इनइक्वलिटी रही। वर्ष 1908 में सर्वप्रथम न्यूयॉर्क में महिलाओं ने इस संबंध में प्रदर्शन किया, क्योंकि उनको बहुत सारे अधिकारों से, जैसे मताधिकार से और भी अन्य अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन्होंने प्रयास किया, प्रदर्शन किया, उसके बाद सभाएं हुई, वार्ताएं हुई और बहुत सारे अधिकार महिलाओं को दिए गए, और तभी से ये दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, और इसका साकार परिणाम भी देखने को मिला। आज इस अवसर पर अगर महिला अधिवक्तागण की उपस्थिति में कॉर्नेलिया स्वराज जी, आप सबने मुझे लगता है नाम सुना होगा उनका, कॉर्नेलिया स्वराज जी का नाम, उनको याद करना, उनको नमन करना बहुत आवश्यक है। वो पहली महिला थी जिनका रजिस्ट्रेशन, जिनका पंजीकरण एक अधिकृत लॉयर के रूप में हुआ, महिला लॉयर के रूप में हुआ, और इससे भी ज़्यादा आप गौरव महसूस करेंगी कि वो किसने किया, कहाँ किया, वो हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परमिशन दिया। अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद वर्ष 1924 रहा है, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ किया, लेकिन उनकी डिग्री विदहोल्ड कर ली गई, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी महिलाओं को एक अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने बॉम्बे से पढ़ाई की, वो वहाँ की रहने वाली थी, लेकिन उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आके अपने रजिस्ट्रेशन के लिए केस डाला, लड़ाई लड़ी, तो इस गौरवशाली हाई कोर्ट ने उन्हें अनुमति दी। जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मिलनी चाहिए, कहाँ मना है कि महिला का पंजीकरण एक अधिवक्ता के रूप में नहीं होगा। और अगर आप उनके जीवन को पढ़ें तो उनका जीवन कितना संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने पंजीकरण कराने के 2-3 साल बाद ही इस पेशे को छोड़ भी दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी समाज सुधारक थी, सोशल वर्कर थी, वो अपने उस काम के प्रति पूर्ण रूप से डेडिकेट हो गई। तो मेरा ये मानना है हर किसी
महिला अधिवक्ता को उनका जीवन जरूर पढ़ना चाहिए, उससे प्रेरणा लेना चाहिए कि क्या क्या किया उन्होंने। जैसे अभी यहाँ बात हो रही थी, मेरी बहनें छोटी बात कर रही थी कि लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स अपनी बता रही थी, लेकिन आप इतने सक्षम हैं कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को रौंदते हुए आगे बढ़ सकती हैं। आपके अंदर वो जज्बा है, किसी की ओर ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि वो आपको मोटिवेट करें या आपको मदद करें किसी तरह की। बस हाँ, ये ज़रूर है कि कोई प्रतिकूल आचरण यहाँ ना हो, कोई प्रतिकूल माहौल इस तरह का ना बने कि उनको ऐसा लगने लगे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन आप सक्षम हैं उस सभी से लड़ने के लिए। उस पंक्ति को ज़रूर याद रखें, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। जो आपके ऊपर प्रतिबंध हैं, जो आपकी उड़ान को सीमित कर रहे हैं, उनको चैलेंज करिए, उनकी ओर मत देखिए कि जो आपको प्रतिबंधित कर रहे हैं। आपने अभी शायद 2-3 दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, मैंने नज़र डाली थी, अमेरिका से कोई फाइटर प्लेन उड़ा था जो भारत आया था, और उसको लाने वाले जितने पायलट्स उसमें थी सभी महिलाएं थीं, कोई पुरुष पायलट उसमें नहीं था। तो आप किसी से कमतर नहीं।